वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास फिफ्थ के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 8 पढ़ाऊंगी। बच्चों, साथ ही साथ इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर भी लिखने बता दूंगी, ताकि अलग अलग वीडियो देखकर आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 62 पर चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है वे दिन भी क्या दिन थे। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है फ्यूचर को, आगे आने वाले फ्यूचर के बारे में लिखा गया है। जैसे कि आपने डोरेमोन के एपिसोड देखे होंगे, हर एपिसोड हमारे फ्यूचर को प्रेजेंट करता है, अलग अलग तरीके के गैजेट्स दिखाता है। तो बच्चों, ये चैप्टर भी आगे आने वाले फ्यूचर के बारे में लिखा गया है। तो आप इसे अभी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर दो दोस्त होते हैं, एक कुम्मी होती है, दूसरा रोहित होता है। रोहित को एक किताब मिलती है, तो किताब देखकर दोनों ही दोस्त बड़े हैरान होते हैं। क्यों हैरान होते हैं? क्योंकि फ्यूचर में उन्हें सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठकर पढ़ना पड़ता था, उन्हें कोई टीचर नहीं पढ़ाता था। इसलिए फ्यूचर में जब उन्हें हमारे ज़माने की किताब मिलती है तो वो दोनों ही दोस्त बड़े ही हैरान होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे समझ गए होंगे कि ये चैप्टर एक फ्यूचर की झलक को दिखाते हुए लिखा गया है, कि फ्यूचर के बच्चे जब आज के ज़माने के बारे में जानेंगे तो वो कैसा फील करेंगे। तो घटना महत्वपूर्ण थी, यानी कि इम्पोर्टेंट थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में इस घटना को क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा कि आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली। देखो, कुम्मी के लिए, क्योंकि वो फ्यूचर में जी रही है, बहुत हैरान करने वाली बात थी। इसलिए उसने अपनी डायरी में लिखा कि उसके दोस्त रोहित को एक सचमुच की किताब मिली, क्योंकि कुम्मी ने इससे पहले सचमुच की कभी किताब को देखा नहीं था, क्योंकि वो केवल कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ती थी। ये पुस्तक जो थी बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वो बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थीं, प्रिंट होती थीं और पढ़ी जाती थीं। और पुस्तकों यानी कि किताबों में पृष्ठ यानी कि पेज होते थे और उन पेजों पर कहानियाँ छपी होती थीं। और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पढ़कर आगे बढ़ना होता था। और कुम्मी के लिए ये सब बातें बहुत हैरान करने वाली थी। बच्चों, सारे शब्द उसमें स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे कि कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर ना जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है, फिर भी ये किताबें कभी पुरानी नहीं होती हैं। रोहित ने क्या कहा था कि आपके ज़माने में, आपके दादाजी के ज़माने में तो बहुत सारी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़कर वो बेकार हो जाती होंगी, क्योंकि हमारे ज़माने में तो सारी किताबें स्क्रीन में ही होती हैं और वो कभी पुरानी नहीं होती। तो कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई और फिर उससे पूछा कि तुम्हें ये पुस्तक कहाँ मिली। तो रोहित ने बताया कि अपने घर में मिली मुझे ये पुस्तक, एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसको फेंक रहे थे तो उसमें से ये पुस्तक मिली। इस पुस्तक में क्या लिखा है, कुम्मी ने पूछा। स्कूल के बारे में लिखा है, रोहित ने बताया। स्कूल, हैरानी से कुम्मी बोली। कुम्मी ने प्रश्न किया, उसके विषय में लिखने को ही है ही क्या स्कूल के विषय में। हर विद्यार्थी के घर में एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह एक पर्दा होता है, रोज़ नियमित यानी कि लगातार उसके सामने बैठकर हमें उसे याद करना होता है। क्या कहा कुम्मी ने, क्योंकि कुम्मी फ्यूचर में जी रही थी तो उसे केवल स्क्रीन के सामने ही बैठकर पढ़ना पड़ता था। तो स्कूल के विषय में इस किताब में ऐसा क्या लिखा है, कुम्मी ने हैरान होते हुए रोहित से कहा। तो सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उस मशीन में हम डाल देते हैं, हमारी गलतियां बताकर ये मशीन हमें समझा देती है। एक विषय यानी कि एक सब्जेक्ट पूरा होने के बाद ये मशीन हमारी परीक्षा यानी कि टेस्ट लेती है और फिर हमें आगे पढ़ाना आरंभ यानी कि शुरू कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई, अंत में बोली, ये सब कितना उबाऊ होता है, सारा दिन स्क्रीन के सामने बैठ कर स्कूल का काम करना। अब रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है
वो हमारे वाले स्कूल से बिल्कुल भिन्न है। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले हुआ करते थे। अब कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जागी, यानी कि जिज्ञासा, बात को जानने की क्यूरियोसिटी जागी और बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीनों के बने अध्यापक तो होते ही होंगे, क्या बोली कुम्मी की। अगर वो बच्चे स्कूल में पढ़ते थे तो उनके यहाँ जो अध्यापक, जो टीचर्स होते थे, वो मशीनों के तो बने होते होंगे। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब, यानी कि अपने दोस्त से बात करते करते उसे ध्यान आया कि वो किस तरीके से पढ़ती थी, कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज़ वही गलतियाँ होने लगीं तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बुलाया। तब एक आदमी आया और उसने मशीन के पुर्जे अलग करके उस मशीन को ठीक कर दिया, दोबारा जोड़ दिया। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को क्या बताया कि लगता है कि मशीन में जो भूगोल की चक्की थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी, इसी वजह से आपकी बेटी को समझना कठिन हो गया था। अब मैंने इसकी जो स्पीड है, घूमने की स्पीड को हल्का कर दिया है, अब ये आशा है ठीक हो जाएगा। कुम्मी को उसी समय भूगोल का पाठ, यानी कि सबक सीखने के लिए बैठना पड़ा, मगर वो बैठना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि मशीन अभी ठीक ना हो। मन ही मन वे उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही, यानी कि बुरा भला कहती रही। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा और बोला, हाँ, उस ज़माने में अध्यापक होते थे, टीचर्स होते थे, मशीनें नहीं होती थी, अध्यापक खुद बच्चों को पढ़ाते थे, स्त्री और पुरुष होते थे। कुम्मी ने कहा कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है, क्यों नहीं। वो बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य भी समझाते थे, रोहित ने कहा। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे अध्यापक से पढ़ने के लिए उनके पास जाते थे, टीचर्स के पास जाते थे, रोहित ने कुम्मी को बताया। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी चीज़ें सीखते थे। तो रोहित बोला, हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे, जैसे कि 5 से 6 साल के बच्चे हमारे इस टाइम में एक क्लास में बैठते हैं, फर्स्ट क्लास में, फिर उससे बड़े बच्चे अगली क्लास में, ऐसे होता था। लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार उसे पढ़ाता है, फिर पुराने ज़माने में ये कैसे पॉसिबल था। तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे, रोहित ने बताया। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं तुम्हें पुस्तक नहीं दूंगा। कुम्मी झट बोली, नहीं नहीं, मैं इसे पढ़ना चाहूंगी। तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी, क्योंकि कुम्मी ने कभी स्कूल नहीं देखा था, क्योंकि वो तो घर पर स्क्रीन में बैठकर पढ़ा करती थी, फ्यूचर में जी रही थी। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का, यानी कि याद करने का, पढ़ने का समय हो गया है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई, अंदर मशीन आगे का पाठ, यानी कि सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज़ें आनी शुरू हो गईं, आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है, कल का होमवर्क छेद में डालो। कुम्मी ने वैसा ही किया। वो सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वो पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे, और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे। इतने में मशीन से स्वर, यानी कि आवाज़ आनी शुरू हो गई और पढ़ते पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए, यानी कि कुम्मी की स्क्रीन पर पढ़ाई की सभी चीज़ें आनी शुरू हो गईं। और कुम्मी उन दिनों को याद कर रही थी जो आज हम जी रहे हैं, कि पहले बच्चे सब साथ मिलकर कैसे हंसी खुशी पढ़ा करते होंगे और टीचर्स आते होंगे उन्हें पढ़ाने के लिए। अब कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना मज़ा आता होगा, बच्चे कितने खुश होते होंगे और कितने सारे बच्चे होते होंगे, क्योंकि कुम्मी तो कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठकर पढ़कर बहुत ज़्यादा ऊब गई थी, वो भी टीचर से पढ़ना चाहती थी। तो बच्चों, इस चैप्टर को किसने लिखा है? आइज़क असीमोव ने। किसने लिखा है? आइज़क असीमोव ने लिखा है इस चैप्टर को।
अब बच्चों इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। प्रश्न नंबर एक, कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वो कब छपी होगी? तो आंसर होगा, कुम्मी के हाथ में वर्तमान समय की अर्थात आज के ज़माने की छपी हुई किताब लगी थी, क्योंकि वो फ्यूचर में जी रही थी। अगला प्रश्न है, रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई, क्या सचमुच में ऐसा होता है? तो हाँ, सचमुच में ऐसा ही होता है, कई पुस्तकें एक बार पढ़कर फेंक दी जाती हैं और बेकार हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, कागज़ के पन्नों की किताब और टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे और क्यों? तो हमें कागज़ की किताब ही पसंद आएगी, क्योंकि इन किताबों को हम कभी भी पढ़ सकते हैं और कहीं भी अपने साथ ले जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, तुम कागज़ पर छपी किताब से पढ़ते हो, पता करो कि कागज़ से पहले की छपाई किन किन चीज़ों पर हुआ करती थी, यानी कि जब कागज़ पर छपाई नहीं होती थी तो उससे पहले किन चीज़ों पर छपाई होती थी? तो कागज़ पर छपाई बाद में हुई, इससे पहले लकड़ी, पत्तों तथा धातु के बने पत्तों पर लिखा जाता था। अब बच्चों अगला प्रश्न है, तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से? दोनों के पढ़ाने में किस किस तरह की सरलता और कठिनाई है? तो बच्चों ऊपर के सभी आंसर वीडियो को पॉज करके लिख लेना। अब मैं प्रश्न नंबर 5 बता रही हूँ। यहाँ पर पूछा गया है कि आप मशीन से पढ़ोगे या अध्यापक से? तो मैं अध्यापक की मदद से पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि अध्यापक से पढ़ने में सरलता ये है कि अध्यापक हमको प्यार से समझाकर पढ़ाते हैं, किंतु मुश्किल ये है कि सभी विषयों के लिए अलग अलग अध्यापक की ज़रूरत होती है। आगे है, मशीन की मदद से पढ़ने में ये सरलता यानी कि आसानी है कि एक ही मशीन सभी विषय पढ़ा सकती है, किंतु कठिनाई ये है कि मशीन में अध्यापक जैसा अपनापन महसूस नहीं होता है। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके इस आंसर को लिख लेना। आगे है, वे दिन भी क्या दिन थे? बीते दिनों की प्रशंसा यानी कि तारीफ में कही जाने वाली बात, ये तुमने किसी न कभी किसी से तो सुनी है। अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोचो और बताओ कि उनमें से किस समय के बारे में तुम ये कहना चाहोगे कि वो दिन भी क्या दिन थे। तो बच्चों जब मैं अपनी गर्मियों की छुट्टियों में बीते नानी के घर की बातों को याद करती हूँ, तब मुझे यही लगता है कि वो दिन भी क्या दिन थे जब मैं नानी के घर छुट्टियाँ बिताने जाती थी, क्योंकि अब मेरे नाना नानी नहीं रहे। तो मैं उन दिनों को याद कर कर ये कहती हूँ कि वे दिन भी क्या दिन थे। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी बात के बारे में लिख सकते हो पुरानी बात को याद करके कि वे दिन भी क्या दिन थे। अब है, कल, आज और कल। प्रश्न नंबर एक, 1967 में हिंदी में छपी इस कहानी में ये कल्पना की गई है कि सालों बाद स्कूल की जगह मशीनें लगेंगी। तुम कल्पना करो कि बहुत सालों बाद ये चीज़ें दिखने में कैसी लगेंगी। जैसे कि सबसे पहले है पेन, तो पेन में लिखने के साथ साथ वीडियो और आवाज़ की रिकॉर्डिंग की भी व्यवस्था होगी। घड़ी, घड़ी में समय देखने के साथ साथ हम मौसम की जानकारी, इंटरनेट और अपने दिल की धड़कन आदि को जान सकेंगे। बच्चों देखो, ये जो कहानी है 1967 में फ्यूचर को ध्यान में रखकर लिखी गई थी, मगर आज तो हम इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे पेनों का भी और ऐसी घड़ियों का भी। मोबाइल, बच्चों मोबाइल में और ज़्यादा क्या सुधार होगा कि ये ज़्यादा पतले और हल्के हो जाएंगे और उपयोगी हो जाएंगे। टेलीफोन में आगे चलकर क्या सुधार होगा, ये भी आज के मुकाबले और ज़्यादा पतला और कई काम को करने वाला हो जाएगा। कोई और चीज़ जिसके बारे में तुम सोचना चाहो, तो जैसे कि बच्चों हम इंटरनेट के बारे में सोचें तो इसकी स्पीड और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, ये सस्ता भी हो जाएगा आगे चलकर और गाँवों में भी आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सकेगा। अब आगे है,
नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। बड़ों से पूछकर पता करो कि 20 साल पहले इन वस्तुओं की कीमत क्या होती थी और आज उनकी कीमत कितनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वस्तु, 20 साल पहले उनकी कीमत और अब उनकी कीमत। जैसे कि आलू 20 साल पहले 6 से 8 रुपए पर केजी थे, प्रति किलो थे, और आज हैं 20 से 25 रुपए पर केजी। इसी तरह से दाल की कीमत बच्चों 20 साल पहले 15 से 20 रुपए प्रति किलोग्राम थी, आज है 40 से 80 किलोग्राम। लड्डू पहले 30-40 रुपए किलो मिलते थे, आज 250 या 300 रुपए प्रति किलो मिलते हैं। इसी तरह से चीनी 1 किलो 15 से 20 रुपए की आती थी, मगर आज 50 से 60 रुपए की आती है 1 किलो। इसी तरह से बच्चों जो दूध था 20 साल पहले 15 से 20 रुपए का 1 लीटर आता था और आज 55 या 60 रुपए का 1 किलो आता है। वैरायटीज़ पर डिपेंड करता है। इसी तरह बच्चों चावल की कीमत 20 साल पहले 10 से 12 रुपए पर केजी थी और आज इसकी कीमत 40 से 70 रुपए किलो है। चावल की कीमत आज के ज़माने में, तो देखो कितना फ़र्क आया है चीज़ों की कीमत के अंदर। अब आगे है बच्चों, आज हमारे कई काम कंप्यूटर की मदद से होते हैं। सोचो और लिखो कि आपके व्यक्तिगत यानी कि अपने खुद की पर्सनल काम कंप्यूटर से कौन कौन से होते हैं और सार्वजनिक जीवन में कंप्यूटर का क्या क्या इस्तेमाल होता है। तो देखो बच्चों, व्यक्तिगत तौर पर हम कंप्यूटर का क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए, मनोरंजन के लिए, कार्टून्स देखने के लिए, हिसाब किताब करने के लिए, कैलकुलेटर के रूप में भी करते हैं, फ़ोटो खींचने के लिए भी करते हैं और टिकट की बुकिंग के लिए भी करते हैं। अब बच्चों सार्वजनिक यानी कि सार्वजनिक रूप में यानी कि सेवा देने के रूप में कंप्यूटर का इस्तेमाल किस किस तरीके से होता है, जैसे कि रेलवे के टिकट की बुकिंग में, शॉपिंग मॉल में, है ना, बिलिंग के अंदर, स्कूल के रिकॉर्ड इकट्ठा करने में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, बैंक के काम काज के लिए और नौकरी से संबंधित भी काम होते हैं। अब बच्चों अगला सवाल है कि जानकारी देने या लेने के कई तरीके अपनाए जाते हैं। हम जो कुछ सोचते या महसूस करते हैं उसे अभिव्यक्त करने या बताने के बहुत सारे ढंग होते हैं। हम जुबान के ज़रिए से, पैगाम के ज़रिए से, टेलीफोन के ज़रिए से, पत्र के ज़रिए से अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। बॉक्स में कुछ साधन दिए गए हैं, उनका आपको वर्गीकरण करना है। देखो ये जो जितने भी साधन हैं, देखो जानकारी और भावनाएं, तो देखो हमें इनमें से संदेश है, संदेश हम एक दूसरे को पहुंचा सकते हैं, तो ये क्या हो गया, जानकारी के अंदर आ गया कि हमें इससे जानकारी मिलती है। फ़ोन भी हम एक दूसरे को कर सकते हैं, है ना, मगर जो चित्र है, चित्र से तो कोई जानकारी नहीं मिलती हमें, इससे इमोशंस का यानी कि भावनाओं का पता चलता है, तो चित्र को आप यहाँ पर लिख दोगे। अब बच्चों फैक्स के ज़रिए से भी हमें जानकारी मिलती है, तो इसे यहाँ पर लिख देंगे। अभिनय से हमें इमोशंस का पता चलता है ना। विज्ञापन से भी हमें जानकारी मिलती है, तो इसे यहाँ पर लिख देंगे। मोबाइल से भी हमें जानकारी मिलती है, इंटरनेट से भी मिलती है, रेडियो से भी बच्चों हमें जानकारी मिलती है, नोटिस से भी हमें जानकारी मिलती है, टीवी से भी हमें जानकारी मिलती है और तार से भी हमें जानकारी मिलती है। नृत्य यानी कि डांस के हाव भाव से हमें इमोशंस का पता चलता है। संकेत भाषा से भी बच्चों हमें जानकारी मिलती है ना। इसी तरह मोबाइल संदेश से भी हमें जानकारी यानी कि इंफॉर्मेशन मिलती है, और इश्तिहार से हमें क्या मिलती है, सूचना मिलती है यानी कि जानकारी मिलती है, तो इसे यहाँ लिख देंगे। यानी कि जानकारी वाले सारे शब्द जिनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसे इधर की साइड लिखोगे, और जिन बातों से इमोशंस का पता चलता है, डांस से, मोबाइल से, संदेश से, है ना, भावनाएं पता चलती हैं, क्योंकि जानकारी भी मिलती है संदेश से हमें और भावनाएं का भी पता चलता है बच्चों संदेश से, तो यहाँ पर लिखा है कि ऊपर लिखी चीज़ें एक तरफ़ा भी हो सकती हैं और दो तरफ़ा भी हो सकती हैं। यानी कि कुछ चीज़ों का हम रिप्लाई कर सकते हैं और कुछ चीज़ों का हम रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के जो चीज़ें एक तरफ़ा होंगी आप उन पर ऐसा टिक लगाओगे, और जो चीज़ें दो तरफ़ा होंगी जिनका रिप्लाई किया जा सकता है उन पर ऐसा लगाओगे। अब देखो जब हम किसी को संदेश भेजते हैं तो
हम उसका आंसर भी दे सकते हैं। तो इस पर डबल डबल वाला एरो आ गया। फ़ोन में भी हम रिप्लाई कर सकते हैं, मगर चित्रों के ज़रिए जो हमें जानकारी मिलती है हम उसका रिप्लाई किसी दूसरे इंसान को नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से फैक्स का भी हम रिप्लाई कर सकते हैं, अभिनय का रिप्लाई नहीं कर सकते हैं, अपनी जानकारी नहीं दे सकते, ना ही विज्ञापन का। मोबाइल से रिप्लाई कर सकते हैं, इंटरनेट से रिप्लाई कर सकते हैं, रेडियो से सिर्फ हमें जानकारी मिलती है मगर हम इसका रिप्लाई नहीं कर सकते, ना ही नोटिस का, ना ही टीवी का। पर बच्चों तार यानी कि लेटर का रिप्लाई हम कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर डबल एरो लगा। इसी तरह से डांस से अगर हमें कोई मॉरल एजुकेशन मिलती है तो हम उसका रिप्लाई नहीं करते हैं, सिर्फ हम इसके इमोशंस को समझते हैं। इसी तरीके से बच्चों हाथ के इशारे से अगर हमें कोई चीज़ समझाता है तो हम भी उसका रिप्लाई कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर डबल एरो का साइन आएगा। मोबाइल संदेश का भी हम रिप्लाई कर सकते हैं, मगर बच्चों जो इश्तिहार से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसका हम किसी को हैंड टू हैंड रिप्लाई तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने एक एरो को लगाया है। उम्मीद करती हूँ कि आप इसे अच्छे से समझे होंगे। तुम्हारी डायरी, अगला प्रश्न है, डायरी लिखना एक पर्सनल काम है इंसान का, तुम अपनी डायरी किसी और को पढ़ने को देते हो या नहीं, ये तुम्हारी अपनी खुद की मर्ज़ी है, क्योंकि डायरी में हम अपनी पर्सनल बातें लिखते हैं और ज़रूरी नहीं कि हम अपनी हर बात किसी के साथ शेयर करें। कई व्यक्तियों ने अपनी खुद की डायरियाँ छपवाई हैं ताकि वे लोगों के साथ अपने अनुभवों को साझा कर सकें, है ना। अगर आपने किसी की कोई डायरी पढ़ी हो तो उसका कोई अंश आप अपनी कक्षा के अंदर सुनाओ। अपनी खुद की डायरी बनाओ और उसमें अपनी खुद से जुड़ी आपको बातों को लिखना है। आगे है, तुम भी कल्पना करो, दोस्तों के साथ बात करके अंदाज़ा लगाओ कि 50 साल बाद इन चीज़ों के अंदर क्या क्या बदलाव आएगा। क्या क्या बदलाव आएगा बच्चों फिल्मों के अंदर 50 साल बाद? एक मिनट, मैं इसको बच्चों अच्छे से सेट कर दूं ताकि आपको प्रॉपर दिख सके। तो फिल्में बनना सरल यानी कि आसान हो जाएंगी 50 साल बाद, कम समय में और कम धन में काम होगा। गांवों की हालत में 50 साल बाद क्या सुधार होगा कि गाँव में सब जगह बिजली आ जाएगी, खेती करने के आधुनिक साधन होंगे और हर गांव में अपना बड़ा विद्यालय होगा। तुम्हारी परिचित किसी नदी के अंदर क्या फ़र्क आएगा? नदी में पानी कम हो जाएगा और प्रदूषण बढ़ जाएगा, क्योंकि आजकल जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो उससे प्रदूषण भी बढ़ रहा है। सुविधाओं के साथ साथ स्कूलों में 50 साल बाद बच्चों क्या बदलाव आएगा? तो स्कूल में ब्लैक बोर्ड और चौक के स्थान पर बड़े बड़े पर्दों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। अब बच्चों अगला प्रश्न है कि असीमोव की कहानी 2155 यानी कि भविष्य में आने वाले समय के बारे में है, फिर भी कहानी में थे का इस्तेमाल हुआ है जो बीते समय के बारे में बताता है, ऐसा क्यों है? क्यों थे शब्द का इस्तेमाल हुआ है? क्योंकि बच्चों फ्यूचर को प्रेजेंट बनाकर लिखा गया है। क्यों? क्योंकि बच्चों फ्यूचर को प्रेजेंट बनाकर लिखा गया है, इसी वजह से थे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इस कहानी में थे का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि उसमें भविष्य ही वर्तमान बन गया है, इस वजह से। अब है, जब मुझे बहुत डर लगता था मैं जब छोटा था, इस शीर्षक से जुड़े किसी अनुभव का आपको वर्णन करना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि जब मैं बहुत छोटा था तो एक बार मैं बाज़ार गया तो काले बादल छा गए और बारिश आने लगी तो मैं बहुत डर गया। समझ में आया? जब मुझे बहुत डर लगता था जब मैं छोटा था। नेक्स्ट है, तुम्हें मैं शीर्षक से एक अनुच्छेद लिखना है, अपने स्वभाव, अच्छाई, कमियां, पसंद, नापसंद, सभी चीज़ों के बारे में लिखना है, या फिर किसी मैच का आंखों देखा हाल लिखना है जो कि तुम्हारी आंखों के सामने हुआ हो। तो मैंने अपने बारे में लिखा कि मैं एक सीधा सादा और बुद्धिमान लड़का या लड़की हूँ, मैं बड़ों का आदर करता हूँ और छोटों से प्यार करता हूँ, मैं सभी सब्जियाँ नहीं खाता, गाजर और पनीर मुझे बहुत पसंद है, मैं क्रिकेट अपने भाई बहनों के साथ मिलकर खेलता हूँ। तो आपको भी अपने बारे में लिखना है यहाँ पर बच्चों। लास्ट है,
अगली छुट्टियों में तुम्हें नाना नानी के पास जाना है। वहाँ तुम क्या क्या करोगे, कैसे वक्त बिताओगे, इस पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है। तो मैंने लिखा, अब आने वाली छुट्टियों में मैं अपने नाना नानी के घर जाऊंगी। वहाँ गांव में खेतों में घूमूंगी। मैं उन्हें अपनी शहर की बातें भी बताऊंगी और नानी की गायें और खरगोशों के साथ खेलूंगी। दही मट्ठा व भुट्टे खाकर मज़े करूंगी। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हो बच्चों। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस पूरे आंसर को अच्छे से लिख लेना।